प्रदेश के इस जिले में डरा रही कोरोना। छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े डराने लगे हैं। संभाग के 7 जिलों में एक दिन में ही कुल 65 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसे लेकर के अब प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। बता दें कि इधर छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है, जिसमें जगदलपुर के माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों में भी यात्रियों की कोरोना की जांच करने स्वास्थ्य विभाग की टीम मुस्तैद हो गई है, लेकिन बस स्टैंड में भी अभी कोरोना की जाँच नहीं हो रही है। तो वहीं राज्य सरकार के मीडिया बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को संभाग के 7 जिलों में 65 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या कुल 208 हो गई है। सबसे ज्यादा जगदलपुर में मिले हैं। गुरुवार को यहां 18 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। यहां आंकड़े बढ़ने के साथ ही अब अलग अलग इलाकों में कुल 7 कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके, जो कि नाम हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। इसके पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही डेली के नए अपडेट्स मिलती रहे। तो ये रहे नाम जो कि कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। नगर पंचायत बस्तर कोलचूर कंदोला में नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वहीं इससे पहले धर्मपुरा वृंदावन कॉलोनी वार्ड नंबर 28 समेत नगर नाल इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। साथ ही दोस्तों जांजगीर चांपा और कोरबा में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जहां पर स्कूल कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। साथ ही साथ रेस्टोरेंट और होटल एक तिहाई क्षमता के साथ खुलेंगे और साथ ही यह गाइडलाइन आगामी आदेश तक जारी रहेगा। ये रही दोस्तों अब तक की कोरोना से जुड़ी ताज़ा अपडेट।